नमस्कार, यूथ कार्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह खबर है बदलापुर जौनपुर में। शनिवार को सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इंदिरा चौक पर पत्थरबाजी कर पूरा मुकुंद गांव के समीप लखनऊ से वाराणसी जा रही चंदौली बस डिपो में तोड़फोड़ कर लगा दी आग। तोड़फोड़ के दौरान कुछ यात्री मौके पर घायल हुए। नमस्कार, यूथ कार्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। आज बदलापुर जौनपुर में सरकार द्वारा अग्निवीर योजना का विरोध प्रदर्शन करते हुए युवा उतरे रोड पर। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि सरकार द्वारा योजना का विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां पर काफ़ी संख्या में युवा सड़क पर उतरे हैं और पत्थरबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सरकारी बसों को यहाँ पर जला दिया गया है। तोड़फोड़ करते हुए को जलाया गया है। जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं मौके पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। देश के नागरिकों के संग ऐसे बर्ताव, बताओ आप कहाँ से आ रहे हैं? सर लखनऊ से बनारस जा रहा था। क्या नाम है? प्रमोद अग्रवाल सर बनारस जा रहे थे। क्या है सो? अरे भाई उतरवा देते मेरा घाव देते होंगे भाई, हमको उतरवा देते। आपको बस में हम बैठ के जौनपुर जा रहे थे। अच्छा, बस रुकाए नहीं, बस पे पब्लिक उतारे नहीं सर, बस फोड़ना चालू कर दिए। कांच सर पे आके लगा। सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को देख प्रदर्शनकारी वहां से भागने लगे। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी मौके पर घायल हो गए तथा कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी द्वारा स्थितियों का जायजा लेते हुए बदलापुर के उप जिलाधिकारी प्रदीप कुमार, क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह को निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन पर काबू पाने का कार्य किया जाए, जिससे जो भी प्रदर्शनकारी मौके पर पकड़े जाएं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना और पथराव करना यह प्रदर्शन नहीं बल्कि हिंसा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी द्वारा बताया गया कि प्रदर्शनकारियों की फोटो तथा वीडियो में उनकी पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि हिंसा प्रदर्शन किया है। श्री कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल पूरा दिन छावनी में रहा तब्दील। इस घटना के चलते बदलापुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरा दिन क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त रहा, सभी दुकानें बंद रहीं। यह खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ जिला ब्यूरो धर्मेंद्र शर्मा की। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। धन्यवाद।